इस वीडियो में है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और टिप्स जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाने वाले ज्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं होती। टाटा मेमोरियल इंडिया के पुराने और बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स में से एक है। यहाँ हर कैंसर पेशेंट का टॉप मोस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट से सस्ता और एविडेंस बेस्ड लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है और उसे एक यूनिक नंबर की फाइल और स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। बात करते हैं फाइल की इन चार कैटेगरीज में क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट और सेमी प्राइवेट कैटेगरी के पेशेंट्स की ओपीडी और जनरल और एनसी कैटेगरी के पेशेंट्स की ओपीडी हॉस्पिटल में अलग ब्लॉक्स में होती है। जरूरत पड़ने पर इन पेशेंट्स का एडमिशन भी अलग वार्ड्स में होता है। अपॉइंटमेंट और इन्वेस्टिगेशन चार्जेस के रेट्स भी इन कैटेगरीज के लिए अलग है, लेकिन हॉस्पिटल की फार्मेसी में मिलने वाली दवाइयों के रेट्स हर कैटेगरी के लिए एक ही है। इसके अलावा ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी सभी कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए सेम है। नॉन इमरजेंसी केसेस के लिए ओपीडी, सर्जरी, डे केयर और इन्वेस्टिगेशन के लिए वेटिंग टाइम चारों कैटेगरीज में लगभग एक जैसा होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद फाइल की कैटेगरी स्पेशल कंडीशंस पर चेंज भी करवाई जा सकती है। फाइल के साथ ही पेशेंट को उनके नाम और फोटो वाला एक स्मार्ट कार्ड मिलता है, जो टाटा हॉस्पिटल में पेशेंट के अकाउंट की तरह होता है। कार्ड में पैसे डालकर जांचों और दवाइयों का पेमेंट होता है, डायरेक्ट कैश देकर नहीं। इसका यूज करने के लिए 4 डिजिट का एक पिन होता है। और हाँ, स्मार्ट कार्ड को संभाल कर रखें, क्योंकि इसके खो जाने पर हॉस्पिटल में पेशेंट सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते और नया कार्ड बनवाने के लिए पुलिस एफआईआर की कॉपी जरूरी है। पेशेंट्स को आसानी हो इसलिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 2 फ्री एप्स हैं। EMR ऐप से फाइल नंबर और पिन डालकर पेशेंट उनकी सारी रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस, अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दूसरा ऐप है TMH दिशा, जिससे पेशेंट्स टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई की पूरी जानकारी, जैसे हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, फ्री बस सर्विसेज की डिटेल्स, हॉस्पिटल में कितनी बिल्डिंग्स है, कौन सा डिपार्टमेंट या ओपीडी कहाँ है और वहाँ किस रास्ते से जाएं, हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए कौन सी फैसिलिटीज है, कहाँ है और हर डिपार्टमेंट के फोन नंबर्स मिल जाएंगे। अब हम बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। इन बातों को कई पेशेंट्स छोटा समझकर ध्यान नहीं देते और बाद में उन्हें परेशान होना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल में पेशेंट की एज और नाम की स्पेलिंग सही लिखवाएं, आधार कार्ड या आईडी से मैच करती हुई। इसमें गड़बड़ होने से फिटनेस और अंडर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स से ट्रीटमेंट फंड आने में दिक्कत होती है। फाइल में पेशेंट का जो एड्रेस लिखा होगा, वहाँ से हॉस्पिटल तक पेशेंट और एक अटेंडेंट के लिए ट्रैवल कंसेशन से रेलवे और फ्लाइट टिकट्स की प्रायोरिटी बुकिंग बहुत कम रेट्स पर हो जाती है। जैसे पेशेंट मेरठ में रहते हैं और टाटा वाराणसी से इलाज चल रहा है, तो फाइल में वाराणसी के किसी पहचान वाले के घर का टेम्पररी एड्रेस अगर लिखवा दे तो पेशेंट को वाराणसी से मेरठ आने जाने का ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, इसलिए अपना एड्रेस करेक्ट लिखवाएं। इसी तरह अपना फोन नंबर भी सही दे, क्योंकि इसी नंबर पर रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट और स्मार्ट कार्ड के बैलेंस के SMS आते हैं और कई बार हॉस्पिटल से या डॉक्टर के फोन भी। टाटा हॉस्पिटल या कैंसर रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कैंसर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।